हाल है भाई? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा तीसरा दिन था देहरादून में, हम निकल रहे हैं मसूरी के लिए। फिलहाल जो हम निकल गए थे सुबह 7 बजे के करीब, और अब जो है टाइम हो रहा 8। तो यहाँ पे हमने बीच में पहाड़ी पे चढ़ गए थे, रोक ली थी एक जगह रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये जो है चाय और अपना सैंडविच है, और यहाँ सनराइज इतना तगड़ा है, सनराइज इतना बढ़िया आ रहा है, धूप बिल्कुल बेहतरीन सेक रहे हैं। सामने नीचे जो व्यू देख रहे हो आप, ये देहरादून का है। तो देहरादून मेन सिटी से जो है वो अराउंड 35 किलोमीटर दूर है मसूरी। फिलहाल जो हम बीच में है, अब यहाँ से हम सीधे निकलेंगे मसूरी के लिए, जो ऊपर जाके किलोमीटर के आसपास। हाँ, अब हमारा 17 किलोमीटर रहेगा तकरीबन, तो ऊपर जाके मिलते हैं। ये भाई बिस्किट और चॉकलेट ले लिया, आगे जाके हम मसूरी के आगे जो है ट्रैकिंग भी करेंगे, तो उसके लिए पहले ही सामान ले लिया। पानी की बोतल हमारा बस यही चल रहा है, अब उठा ले। चलो ये अपनी बुलेट आ जा भाई। तेरी वीटिक शॉट हाला ठीक ही कर रहा नाइस। 15 बजे सावधान रहे। और ये भाई मसूरी, वो सामने दिख रही है मसूरी है, वहाँ जाना है अभी हमें। यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड भी हो रखी है, अल्टीमेटली लैंडस्लाइड हो रही है। भाई मसूरी 11 किलोमीटर रह गया है, और ये चलो भाई ये होटल बुक करता है यहाँ पे हमने, एक सामान वामान अपना रखेंगे, उसके बाद घूमेंगे मसूरी। टाइम कैन वी रिकॉर्ड? ओके थैंक यू। तो ये भाई रूम में चलते हैं, चेक इन करा होटल में अभी। ये होटल विंटर लाइन इन करके नाम है इसका, क्या नंबर है? 203 204। तो ये रहा 203। यो 203 203। ये रहा ओके। तो ये भाई रूम में एंटर करते हुए, जल रही है लाइट? यस ऑन लाइट। ये है भाई रूम हमारा, सही है, है? ले बैग रख दे मेरा। ये है भाई रूम। भाई व्यू कैसा आ रहा है यहाँ से? बेहतरीन, एक नंबर। तो भाई होटल में चेक इन करके अब हम अपना सामान वामान यहीं पर रख रहे हैं, और इसके बाद निकल रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक, और उसके पास में एक और लोकेशन है, क्या नाम है उसका? क्लाउड एंड। हाँ क्लाउड एंड। तो क्लाउड एंड ये कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे फिर कैंपटी फॉल। तो ये मसूरी वाला ब्लॉग है, ये अब हम कंटिन्यू करेंगे माल रोड पे। यस, और माल रोड पे अपना खाना वाना खा के यहाँ पर अपने होटल में वापस आएंगे रात को। बाकी जो है कैंपटी फॉल और अपना जॉर्ज एवरेस्ट पीक वो अलग दिखाएंगे अलग ब्लॉग में। तो मिलते हैं भाई शाम को इसी होटल में, अभी निकलते हैं। और भाइयों सुनो, अपनी जैकेट जरूर लेके जाना, ठंड है वहाँ पे, ठंड हो रही है भाई अभी। तो भाई अभी हम फिलहाल है मसूरी की माल रोड पे, और काफी ज्यादा लग रहा था हमें, तो जैकेट वैकेट पहन लिया और टॉप भी ओढ़ ला भाई ने। ये है भाई मसूरी की माल रोड, खचाखच भरी पड़ी है, पूरी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे दिन में काफ़ी रोशनी रहती है, और आगे दिखाता हूँ।
देहरादून का व्यू अगर दिखता है तो ये जो नीचे आप देख रहे हो सामने वो देहरादून है, लेकिन फिलहाल अभी जो है क्लाउड्स आ गए यहाँ पे, कोहरा आ गया तो उस वजह से नहीं दिख रहा। कैसा रहा भाई आज का दिन? मज़ेदार और थका हुआ पर मजा आ गया। दो ट्रैक करे भाई आज, एक तो अपना कैंप टी फोर सॉरी जॉर्ज एवरेस्ट और दूसरा क्लाउड एंड पे। कैंप टी फोर हम जा नहीं पाए, कैंप टी फोर आज हम जा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो कल अगर हमारा मन कर गया जाने का वहाँ जा सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी कैंप टी फोर दो बार जा चुका हूँ, लेकिन भाई आ चुका है पहले ऑलरेडी, वो कैंप टी फोर नहीं देगा उसमें, तो अगर कल हमारा मन कर गया वहाँ पर चले जाएंगे, नहीं तो फिर सीधा निकलते हैं धनोल्टी के लिए। मसूरी की माल रोड खचाखच भरी पड़ी है, आज सैटरडे है तो इस वजह से और ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है अपना कैंपटी फॉल, और वो वाला रास्ता है पीछे की साइड वो है अपना जॉर्ज एवरेस्ट व्यू क्लाउड पॉइंट के लिए। ये भाई यहाँ पे बिल्कुल माल रोड के सामने है मसूरी लाइब्रेरी करके, एस्टैब्लिश्ड इन 1843। ये भाई मिले हेलो बढ़िया भैया, कैसी रही ट्रिप? अरे करके आगे कंप्लीट, चलो बढ़िया। कितने का है कैमरा? ये 35 का। तो अभी मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, इतनी ठंड में भी आइसक्रीम खाते हुए ये भाई तो खाएगा नहीं। वाह बेहतरीन, गाड़ी में बदबू आ रही पूरी है बहुत। क्लच प्लेट खराब हो गया? क्लच प्लेट खराब है सारी गाड़ी में, बाबू का छोड़ रही सारी गाड़ी। चलो माल रोड पे, अब थोड़ा माल रोड पे घूमते हैं। मसूरी की माल रोड देख रहे हो आप, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे और इस टाइम काफ़ी टाइम भी हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं अपने होटल के लिए, वहाँ पर भाई भी मिलते हैं। तो भाई रात का 8 बज रहा है, फाइनली हम आ गए अपने होटल रूम पे। ये हमारा होटल रूम जो देख रहे हो आप पीछे, काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन प्राइस भी इसके उसी हिसाब से है तो अगर आपको होटल रूम लेना बजट में तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वीकेंड पर ना आए, क्योंकि वीकेंड पर यहाँ पे प्राइस बहुत हाई रहते हैं। नॉर्मली आपको 3-4 हज़ार रुपये के यहाँ पे होटल रूम मिलेगा वीकेंड पे। अगर आपको बजट रूम लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मसूरी जो मेन मसूरी है माल रोड उससे नीचे ले, उससे थोड़ा सा नीचे ले। दूसरी दिक्कत वीकेंड पाने की ये है कि आपको बहुत जाम मिलेगा, गाड़ी से आ रहे हो तो भाई खचा खचा आपको माल रोड भरी मिलेगी भाई बाइक से आओ हाँ। जाम होगा भी तो लेकिन साइड होके निकाल लो यार, बस 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 तब भी आपके 1-2 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, तो वीकेंड पे नहीं आओ तो ज़्यादा अच्छा है, वीकेंड पर ना आओ तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हमारे पास बाइक थी फिर भी हमें जाम में इतना फंसे रहे आधे घंटे के लिए, तो गाड़ी वालों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हो। बाकी भाई ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब मार देना। बाकी हम निकल रहे हैं कल धनोल्टी के लिए और दूसरी लोकेशन आप एक्सप्लोर करेंगे इको पार्क और सुरकंडा देवी टेम्पल। तो भाई मिलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में, बाय।